वेलकम बैक टू गेमिंग। तो क्या हाल यार आप सब लोगों की, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो सेकंड चैनल पे पीसी गेमिंग कंटेंट रेगुलरली आना चालू हो चुका है एंड फर्स्ट वीडियो भी GTA San Andreas के रिगार्डिंग आई थी, अगर आपने नहीं देखी तो चेकआउट करना मत भूलना। उस चैनल पर यार रेगुलर तो मैं पीसी कंटेंट, रोज वीडियोस एंड बाकी सारी चीजें देखने को मिलते रहा करेंगी, तो मेक श्योर अगर तुमने वो चैनल चेकआउट कर रखा है। तो वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं क्रॉन्टन के साथ। तो हाल ही में क्रॉन्टन जब लाइव थे इंस्टाग्राम पर, तो यहाँ पर वो बात करते अपने कार कलेक्शन के बारे में, जहाँ पर वो रिवील करते हैं कि उनके फैमिली की अगर कार कलेक्शन के प्राइस की बात करें तो ओवरऑल 16 से 20 करोड़ रुपए होगी। एंड वो क्या कुछ कहते हैं आप देख सकते हो। देखना है गाइस, कम से कम मतलब मेरे फैमिली में तीन फैमिली मतलब है ना, सब काम बिजनेस सब साथ ही होता है, तो हमारे तीन फैमिली का कार कलेक्शन देखना है तुमको। बताओ कोई भी कौन सी भी गाड़ी लेके जाता है, वैसे तो खाली मैं ही दो गाड़ियां लेके जाता हूँ, ये और अपनी BM। मैं बताओ कितना होगा, मेरे को लगता है पोटेंशियल है, उसका करियर अभी शुरू हुआ है एंड ही इज सो यंग राइट नाउ, ही माइट बी फोकसिंग ऑन कंटेंट, बट इफ ही पुट्स हिज माइंड टू इट बाय द एज ऑफ 10-12 ही विल बी बीटिंग टियर 1 प्रोस एंड बाय द टाइम ही इज 16 एंड 18 एलिजिबल टू कम्पीट, ही हैज पोटेंशियल टू बी अ लेजेंड प्रोडिजी एंड ही हैज द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट ऑल दैट वर्क टुडे, विच इज वाई आई हैव अ लॉट ऑफ होप फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियन e-sports, because even parents are actively getting involved like in the case of Vivon. And आपका इसके बारे में क्या कहना है, do let me know in the comment section below. अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर रौनक के बारे में। तो हाल ही में रौनक ने बात करी कि स्काईलाइट्स उन्होंने लीव क्यों किया था एंड ऑन स्क्रीन रीजन एंड बाकी सारी चीजें आप देख सकते हो। वो व्यूज ऑन सोमराज ट्रोलिंग स्काउट भाई एंड गेटिंग अटेंशन, भाई अटेंशन वटेंशन का तो पता नहीं, बट जो उसने बोला वो तो गलत है यार, डेफिनेटली सोमराज ने जो बोला वो गलत है। अब देखो भाई, देखो मैं तो सीधे से यही कहूंगा कि थोड़ा बहुत क्या पता, अभी मैं इतना टाइम से मिला नहीं हूँ, मेरी बात भी नहीं हुई है सोमराज से, ओके। सो अब वो किसकी संगति में है, किसका असर है, क्या है, ठीक है सोमराज भाई बोलता रहता है ऐसे ही, बट लाइव मैंने मैंने उसको बहुत बार समझाया गया। जब मैं स्काईलाइट्स में था, तो मैं आपको आज एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं स्काईलाइट्स में था तब मैंने इन लोग को मतलब सोमराज, पुकार, कमला, सबको एक चीज़ समझाई थी कि जो जो गलतियाँ मैंने की है ना, लाइक कोई भी चीज़ हो, XYZ रिलेटेड कोई भी चीज़, तो मैंने इनको बहुत समझाया कि भाई ऐसा मत करो, ये मत करो, जो गलतियाँ मैंने की है वो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करके उन्हें बताया कि आप लोग ये मत गलतियाँ मत करना। मैंने तो भाई अपने हिसाब से सब कुछ समझाया ये वो, बट देन भाई वहाँ पर तो डेंजरस सीन हो गया भाई। वो गलतियाँ स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सब एकदम अच्छे से थे भाई, सब सुनते थे ये वो ऐसा ऐसा, फिर भाई BGIS के टाइम पे अचानक मेरे को सदमा दे दिया भाई कि मैं नहीं खेल रहा हूँ माँ कसम, और जबकि मेरी परफॉर्मेंस का ऐसा कुछ सीन था नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। एंड मुझे लगता है कि जो स्टैट्स थे वो थे भाई, इवन ओनर तक ने बोला था कि रौनक यू विल प्ले, बट देन वहाँ पर कुछ ऐसा पॉलिटिक्स हुआ कि अभी छोड़ो हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट देन प्लेयर्स वर नॉट रेडी टू प्ले कि रौनक खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, और ओनर ने बोल दिया था कि रौनक खेलेगा, बट देन अभी ये लोग ने क्या धमकी दिया ओनर को, क्या बोला, हाँ ये लोग ने बोला था कि रौनक अगर खेलेगा तो हम लोग आपको श्योरिटी नहीं दे सकते कि अपना ये होगा क्वालिफाई होगा। तो ये कौन से, मेरे को रातों रात इनको भाई कौन सा भूत काट लिया, क्या हो गया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट वो अलग चीज़ है, उसको अपन साइड में रखते हैं। जो अभी सोमराज ने किया स्काउट के साथ, जो भी चीजें बोली गलत गलत, इट्स वेरी 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 रॉन्ग एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट। और सब रौनक को आगे रिलेट करते हुए बात कर ले ओल्ड सोल लाइनअप के बारे में, तो ओल्ड सोल लाइनअप या द लेजेंडरी लाइनअप यानी कि रौनक, ओवेस, मॉर्टल और वाइपर, क्या वो हमें एक साथ खेलते हुए वापस दिख सकते हैं, नहीं दिख सकते? तो इसी पर रौनक रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि ओल्ड डेज आर कमिंग सून एंड वो बेसिकली क्या कुछ कहते हैं आप देख सकते हो। ओजी डेज आर कमिंग बैक, अरे अरे भाई जरूर आएंगे, जरूर फॉर श्योर आएंगे, खेलेंगे सब साथ में, कोई सीन नहीं है, मैं वाइपर, मोटल, ओवेस भी है, जब अगर कभी स्लॉट रहेगा वहाँ पर अमंग अस भी बोले वो या वैलोरेंट बोलो, कभी भी ऐसा कुछ रहेगा ना 5v5 वैलो ये वो मजा आएगा गाइस। अभी मेन वही सीन है ना यार, गेम का थोड़ा ऐसा इशू है, तो ऑफकोर्स लास्ट टाइम भी कम्युनिटी सारी साथ आई थी, इस बार भी सब साथ में आएंगे यार, इस बार तो ओजी सब साथ में आएंगे, मजा आएगा। सो यस, बहुत 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 ज़्यादा मजा आएगा गाइस, डोंट वॉरी, मॉर्टल के साथ खेलो, खेलेंगे भाई खेलेंगे, अभी थोड़ा चिल करो, अभी कल जाके आए हैं, सब कुछ सब खेलेंगे भाई, कोई सीन नहीं है। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते और बात कर लेते हैं हम स्काउट के बारे में। तो स्काउट ने यार हाल ही काफी सारी चीजों पर बात करी, जैसे उनका PMW एक्सपीरियंस, जहाँ भी गए थे हम, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ही अच्छा था, बिकॉज बहुत कुछ सीखने मिला,
बहुत कुछ चीज़ें पता चली वहाँ पे, दुनिया कैसे चीज़ें कर रही है वो दिखा, हम लोग कितने पीछे हैं वो भी दिखा। बस वही है, यू हैव टू लर्न अ लॉट, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, टाइम लगेगी, बस होप हमारा दिल का टुकड़ा वापस आ जाए। अब इंटरनेशनल के लेवल अभी, अब मैं वही बोलूँगा कि काफ़ी ऊपर है, कि जब हम लोग का गेम वापस आता है होपफुली हम लोग को ग्लोबल ऑफिस मिले, क्योंकि आप जब तक ग्लोबल ऑफिस से प्रैक्टिस नहीं करोगे यू कांट बीट देम, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू कांट बीट देम नो मैटर वॉट। आप कितना ही इंडिया, और देखो आप मेरे को बताओ इंडिया में ग्राइंड का मतलब क्या है, जस्ट टेल मी गाइस, ग्राइंड मतलब क्या आता है? स्क्रिम्स, ट्रेनिंग, बस बस यहीं पे हम गला यहीं पे हम लोग हार जाते हैं यार। और उन्होंने बात करी नियो के सपोर्ट के बारे में जो पीएमडब्ल्यू में उनको गॉडलाइक की तरफ से मिला। नियो रियली सपोर्टेड यू, यस ब्रो, आई सॉ हिज हाइलाइट्स। आई लव टू गॉड गॉडल फैमिली ब्रदर, जितना उन्होंने प्यार दिया हम भी उतना ही प्यार देंगे यार, उससे ज्यादा देंगे, क्या दिक्कत। ऑल्सन से ये कहा जाता है कि उन्होंने मावी को क्यों छोड़ दिया, तो इस पर भी वो एक मैच्योर वे में रिप्लाई करते हैं ना, आप देख सकते वो क्या कुछ कहते हैं। मावी को छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया मैंने मावी को अर्चित भाई, कहाँ छोड़ दिया एक बार बताओ, मतलब कुछ भी यार, जरूरी थोड़ी है एक टीम में रहना, मतलब साथ रहना। एक मेरे को बात बताओ, कल को हम साथ में लंच डिनर ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, इकट्ठे रहने वाले हैं, एक ही छत के नीचे रहेंगे, तो एक मेरे को बात, ये कौन सा चीज़ होता है मुझे एक बात बताओ। और वैसे अभी गेम नहीं, गेम मान दो, फिर देखते हैं क्या होने वाला है। और सब वीडियो में आगे बढ़ ले और बात कर लेते हैं हम टीएसएम एडमिन के बारे में। तो हाल ही में टीएसएम एडमिन काफी सारे सवालों का जवाब देते हैं, जैसे वे स्काउट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पर मॉर्टल के बारे में बात करते हैं कि मॉर्टल के पास जो फेम है वो डिजर्व करते हैं या फिर वो ओवर रेटेड है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर ये कहते हैं कि मॉर्टल जहाँ पर भी है वो डिजर्व करते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर थग और गोल्डी बाई के बारे में भी बात करते हैं एंड गेम अनबैन के रिगार्डिंग वो यही कहते हैं कि बाकी सारी चीजें जितनी भी आ रही है निकल के वो अभी बस रूमर है। ऑल्सो उनसे पूछा जाता है कि टीएसएम के आईजीएल अब कौन होगा, तो वो ये कहते हैं कि जब गेम वापस आएगा तब देखा जाएगा। ऑल्सो उन्होंने सोल #11 पीएमडब्ल्यू पे बात करी एंड वो ये कहते हैं कि नथिंग बट रिस्पेक्ट एंड वो यहाँ पर एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं सभी को। तो बस यार इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी अभी मैं भी चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।